नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मेक रियल मनी ऑनलाइन पर। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें। आज इस वीडियो में आपको अपना एक और मैं लाइव विड्रॉल शो करने वाला हूँ नेक्स्ट मनी का। अगर आपको नेक्स्ट मनी का प्लान नहीं पता, ऊपर आप आई बटन पर प्रेस कर कम्प्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो सीधा मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको नेक्स्ट मनी में आपको मैं लाइव विड्रॉल आपको मैं शो करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको अपना लाइव विड्रॉल शो करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपना बैलेंस दिखाता हूँ। मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना सिक्योर पिन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। सिक्योर पिन मैंने एंटर कर दिया। मैं क्लिक करता हूँ ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है 561 रुपये और 4 पैसे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल बैलेंस है 561 रुपये 4 पैसे और रिडीमेबल बैलेंस जिसको मैं बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ 547 रुपये 50 पैसे और कैशबैक मेरे पास है 13 रुपये 53 पैसे। तो 547 रुपये 50 पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कैशबैक वाले अमाउंट को बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रिडीमेबल अमाउंट आपको मिलता है जो आपकी टीम में कोई आईडी एक्टिवेट होती है, आपको रॉयल्टी इनकम आती है, वहाँ से मिल सकते हैं। डायरेक्ट में एक आईडी एक्टिवेट हुई है तो उसका मुझे 273 रुपये 75 पैसे मुझे मिला है। सो अमाउंट को मैं बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। बैंक आता हूँ, यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा विड्रॉ। विड्रॉ बटन पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है न्यू मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन पे। फर्स्ट टाइम करने है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से सिंपल रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ, मैं क्लिक करता हूँ सबमिट। यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ बैलेंस शो कर रहा है 547 रुपये 50 पैसे। मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसफ़र बटन पर। यहाँ पर मेरे दो बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम करें तो नीचे ऐड बेनिफिशियरी पे जाके यहाँ से अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। फर्स्ट वाले अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरा बैंक अकाउंट है इंडसइंड बैंक का। मेरा बैंक अकाउंट डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करने वाला हूँ मैं 502 रुपये। क्लिक करता हूँ मैं सेंड मनी। दोबारा से मैं पिन डाल देता हूँ एक बार और। पिन मैंने एंटर कर दिया। मैं क्लिक करता हूँ ओके। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लिया अपना बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर IFSC कोड मेरा करेक्ट है। 502 रुपये यहाँ से विड्रॉ करने वाला हूँ। क्लिक करता हूँ मैं सेंड। तो यहाँ पर जो है कम से कम 500 रुपये का विड्रॉ ले सकते हैं। अगर आपको तुरंत IMPS से पैसा मिलता है 24/7 कभी आप विड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पर फीस लगता है 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस 1% जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 502 प्लस 507 रुपये का 502 का 1% होता है 5 रुपये। तो 10 रुपये यहाँ पर मेरा फीस लगने वाला है। तो 512 रुपये मेरे वॉलेट से कटने वाले। मैं क्लिक करता हूँ ओके। कुछ सेकंड्स अब मुझे वेट करना है। तो नीचे देख सकते हैं 512 रुपये मेरे नेक्स्ट मनी वॉलेट से डिडक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको होम बटन बैक बटन आपको प्रेस नहीं करना है, कुछ सेकंड्स वेट करना है। देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक से मुझे SMS आ चुका है। मैं आपको SMS दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं SMS आप 6:52 में मुझे SMS आया है 502 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए नेक्स्ट मनी से। देख सकते हैं आप IMPS रेफरेंस नंबर सकते हैं 03241890532 7। ये IMPS रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब मैं अपने वेट कर रहा हूँ मेरा इंडसइंड बैंक से मुझे SMS का वेट कर रहा हूँ। देख सकते हैं मुझे मेरे बैंक से SMS आ चुका है। SMS को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 6:54 पर मुझे SMS आया है। मेरा अकाउंट नंबर शो कर रहा है 502 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है 19 नवंबर 2020 को। यहाँ देख सकते हैं IFSC रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, शो कर रहा है। तो विड्रॉल मुझे इंस्टेंट मुझे रिसीव हो चुका है नेक्स्ट मनी से। बैंक से SMS मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब देखते हैं यहाँ पर मेरे बैलेंस वॉलेट से मेरा बैलेंस डिडक्ट हो गया होगा। मैं बैक आता हूँ। वॉलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बस देख सकते हैं बैलेंस मनी ट्रांसफ़र हुआ है 512 रुपये 6:52 और 49 सेकंड पे। मेरे पास अभी बैलेंस बचा है 49 रुपये 4 पैसे। तो विड्रॉल मुझे इंस्टेंट मिल चुका है। ये विड्रॉल आप कभी भी 24/7 रात को 2 बजे 3 बजे जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो उसको यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। सर्विसेज की बहुत फास्ट सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। और यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ पर मेरा अभी 10 रुपये का मुझे फ़ीस लगा। आप फीस बचाना चाहते हैं तो आप रिडीम वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से कम 1,000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 वर्किंग डेज लग सकते हैं। ये पैसा NEFT के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ पर आपको 1 पैसे की भी फीस यहाँ पर नहीं लगती है। जो पैसा आपका रिडीमेबल बैलेंस है उसी को आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैशबैक को आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं।
अगर आप नेक्स्ट मनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन, उस लिंक से नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरा रेफर कोड आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।